आज मेरी इंटरव्यू थी एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट. तो आई हैव क्लियर द इंटरव्यू एंड आई ज्वाइन द वीन स्टार कंपनी इन दुबई. कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू सर. मेरा नाम शाहिद महमूद हुआ और मैंने बीटेक किया हुआ है. जिनको आज आउट ऑफ इंडिया में जो मिले, इनका पुराना एक्सपीरियंस भी रहा है बाहर का, और आज ये काफ़ी खुश हैं, एक सेटिस्फाई हैं. और कई दिन से इंटरव्यू इनका डिले हो रहा था और फाइनली ज्वाइनिंग वगैरह डेट सब मिल गई है और जल्दी ही ये यहाँ से. भाई मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाहर के पैसे को इंडिया में लाने के लिए जा रहे हैं. तो डियर, थोड़ा सा प्लीज़ अपने बारे में बताइए और जो आज आपकी खुशी है उसी से स्टार्ट करते हैं. तो आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर. मेरा नाम शाहिद महमूद हुआ और मैंने बीटेक किया हुआ है फ्रॉम द ईयर ऑफ 2017. उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस दो साल कुवैत का है, जहाँ मैंने बदर अल मुल्ला ग्रुप को ज्वाइन किया एज ए टेक्नीशियन. फिर मैं प्रमोट होके फोरमैन बना. उसके बाद फिर इंडिया आया और अभी मैं अपने स्किल्स को थोड़ा इन्हेंस करना चाहता था, तो इसलिए सर का वीडियो देखता था मैं. तो फिर यहाँ आने के बाद ज्वाइन किया, अपने इलेक्ट्रिकल नॉलेज को इन्हेंस किया. फिर उसके बाद आज मेरी इंटरव्यू थी एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट. तो आई हैव क्लियर्ड द इंटरव्यू एंड आई ज्वाइन द वीन स्टार कंपनी इन दुबई. कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू सर. तो जैसे आपको क्या लग रहा था पहले कि होगा नहीं होगा, क्या था माइंड में, क्या चल रहा था? थोड़ा तो डाउट रहता ही है, इंटरव्यू तो ऐसा रहता ही है कि थोड़ा डाउट रहता है होगा कि नहीं होगा. बट मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया हॉस्टल में और मिरर के सामने मैं प्रैक्टिस करता था. और उसके बाद आज मैं बैठा तो वो इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस था. हाँ, कॉन्फिडेंस था सर. तो आज मैंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया सर. देखो क्या होता है इंटरव्यू में, जो सबसे पहली चीज़ मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है. और वो कॉन्फिडेंस हमें कब आता है? देखो डर तो लगता ही है चीज़ों से. कॉन्फिडेंस जब आता है जब हम चीज़ों को फेस कर लेते हैं. पहली चीज़ आपने बाहर जॉब की है और आपने यहाँ पर ना आपने देखा, यार मैं जहाँ पर पहले जॉब करता तो उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें तो मैंने यहाँ सीख ली हैं, जो मेरे वीक पॉइंट वो मैंने दूर कर लिए हैं, तो मुझे दिक्कत नहीं है, हो जाएगा मेरा. तो वो पॉइंट एक काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि आपने मेहनत की. आपका पूरा बैच, देखो अभी तक के जितने बैचेज में आपका पूरा बैच बहुत ज़्यादा सिंसियर था और सभी लोग पूरी मेहनत करते थे और मतलब बहुत सिस्टमेटिक रहता था. मेरे ख्याल कोई बैच, आपके बैच में कौन कौन बचे हैं जिसकी जॉब नहीं हुई? नहीं, ऑल हैव प्लेस्ड. ऑल हैव प्लेस्ड. सारी का प्लेसमेंट हो गया, सबों ने जॉब ले लिया. तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर आपके बच्चे तो बहुत आते हैं, आप सबका वीडियो शूट नहीं करते हो. तो बहुत सारे बच्चे होते हैं भाई जो प्लेस हो गया उनको छुट्टी नहीं मिलती, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं. और हमें भी ये नहीं रहता कि हर बच्चे का दिखाना है. जैसे आपका एक हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि हमारे यहाँ से बच्चे आउट ऑफ इंडिया जाते हैं. आप मेरे ख्याल दूसरे स्टूडेंट हो जो जिनका एज ए इंजीनियर हुआ है जिनका 70 से ऊपर सिलेक्शन हुआ है, अदरवाइज 50 के करीब तो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ. तो जो लोग अभी हमें देख रहे हैं तो उनको क्या मैसेज आप देना चाहोगे? सर मैं जिनका मोटो बाहर जाने का, भाई मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना है, तो उनको क्या करना चाहिए और कैसे वो बाहर जा सकते हैं? सर पहली बात तो अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें, इसके नॉलेज को इन्हेंस करें, स्किल्स को इम्प्रूव करें और पॉजिटिव पाथ में चले, पॉजिटिव थिंकिंग रखें. उसके बाद उनको कामयाबी ज़रूर मिलेगी विद अच्छी सैलरी के साथ. और ये ना सोचें कि सैलरी मेरा फर्स्ट प्रीफर है,
ऐसा नहीं है, ऐसा रहता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। मैं बीटेक करने के बाद एज मैं बदर अल मुल्ला ग्रुप ज्वाइन किया तो एज ए टेक्नीशियन ज्वाइन किया, फिर वहाँ का एक्सपीरियंस लेके फिर मैं इंडिया आया, फिर स्किल्ड हिंदुस्तान ज्वाइन किया और अभी मैं एज एन इंजीनियर मैं फिर इंटरव्यू दिया और आज मेरा सिलेक्शन हुआ। तो फर्स्ट स्टेप से लेके इंसान को लास्ट स्टेप तक बढ़ने के लिए प्रमोट होना करना चाहिए अपने आप को। तो मैं तो स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि मतलब पॉजिटिव वे में चलें और बी स्लो एंड बी फास्ट। बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्या होता है ना, चीज़ों में जो मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले मेरा एक टारगेट होना चाहिए, यार मुझे बाहर जाना है या मुझे ये करना है, हमारा टारगेट हो गया। फिर वो टारगेट अचीव कैसे होगा, फिर मेरा घर बैठने से भी अचीव नहीं होगा, मुझे कुछ ना कुछ इफेक्ट करने पड़ेंगे। पहली चीज़ है मुझे नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, फिर ठीक है मेरा बाहर नहीं हो रहा है तो इंडिया में अपॉर्चुनिटी बहुत है, स्टार्टिंग में मैं कुछ दिन इंडिया में करूँ। जो नॉलेज है, आपने कहा कि नॉलेज को इन्हेंस करके, नॉलेज को अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग करें कि जब इंटरव्यूअर के सामने बैठे ना तो वो ये कहे कि भाई ठीक है यार, ये एक नीचे वाली पोजीशन थी, एक ऊपर वाली थी, मैं इसको ऊपर वाली में कहीं ना कहीं सेट करता हूँ क्योंकि बंदा बहुत ही अच्छा है। yes, sir. तो चीज़ें होती हैं, चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। तो लोग एक फोकस तो बना लेते हैं, गोल तो बना लेते हैं, बट गोल के पीछे ना अच्छी तरह से भागते नहीं हैं, गोल के लिए प्लानिंग नहीं करते हैं और भूल जाते हैं कुछ दिन में, भी ठीक है यार चलो लीव इट। तो वो जो मुझे लगता है कि किसी, चाहे इंडिया है या इंडिया के बाहर है ना, अगर आपको एक अच्छा ग्रो करना है तो कंटिन्यू लर्निंग आपको रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप जाके नहीं यार अब जॉब लग गई है नहीं, आप नहीं बैठोगे आपके नहीं यार, आप इसके ऊपर भी एक होता है सीनियर चीफ इंजीनियर मैनेजर या जो भी पोजिशन होती है, आप उसके लिए प्रिपरेशन करोगे, आप ऑलरेडी उसके लिए, जब मैंने कहा कि आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, आपको गाइडेंस किसी ने अच्छी दी है कुछ देर पहले जब आपसे, आपने कहा कि आपका एमबीए चल रहा है तो वो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा। एमबीए तो दुनिया करती है, बट जो आपने चूज किया ना यार इस ट्रेड में मुझे करना चाहिए, तो वो क्या है ना आपकी चीज़ों से मैच हो रहा है। yes, sir. तो चीज़ें दो तरह से होती हैं, एक प्लान्ड चीज़ें होती हैं, एक अनप्लान्ड होती हैं। प्लान्ड चीज़ें ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं, अनप्लान्ड चीज़ें तो यार ठीक है किस्मत हो गया जी, हो गया नहीं हुआ तो उस तरह से चलती हैं। yes, तो और कुछ आप स्किल्ड हिंदुस्तान से रिलेटेड लोगों को कोई मैसेज देना चाहते हैं या कुछ चीज़ें हैं हमारी तरफ से रह गई हों कि सर आप ये चीज़ें थोड़ी सी और इम्प्रूव करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, तो कुछ भी आप कहना चाहें। सर मुझे तो ऐसा नहीं लगा एज ए स्टूडेंट, मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि और इम्प्रूव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के फैकल्टी यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे से क्लियर करते थे कंसेप्ट को और हम ही लोगों को थोड़ा मेहनत करना चाहिए ताकि अपने कैरियर के गोल को अचीव कर सके। और स्किल्ड हिंदुस्तान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अपने स्किल्स को, मैं यहां आने के बाद एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बहुत इम्प्रूव किया और मुझे इतना कॉलेज में नहीं बताया गया था, मैं मतलब इतने प्रैक्टिकल्स भी नहीं किए थे और वैसे भी बीटेक लाइफ तो थोड़ा इधर उधर में मतलब मस्ती में गुजर जाता है, कभी लैब नहीं किया तो कभी क्लासेस नहीं किया। तो आफ्टर बीटेक जब यहाँ पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चाहिए एज ए इंजीनियर या एज ए वर्कर या एज ए हेल्पर, तो फिर मुझे पता चला कि नहीं मेरे अंदर ये स्किल्स की कमी है, तो फिर मैंने स्किल्ड